सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपना रेज्यूमे बना सकते हैं एज ए सीएनसी प्रोग्रामर। यानी कि ये जो वीडियो है हमारे सीएनसी प्रोग्रामर भाइयों के लिए है जिसमें आप जो है अपना रेज्यूमे एक सही ढंग से बना सकते हैं किसी भी एमएनसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको एमएनसी कंपनी में जो है अच्छी सैलरी ग्रोथ चाहिए तो आपको जो है अपना रेज्यूमे जो है वहाँ पर फॉरवर्ड करना होता है। और सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है कि आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए आपको जो है उसको एक अट्रैक्टिव रूप देना पड़ता है। तो उसको किस तरह से आप जो है अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप अपने स्किल्स और नॉलेज को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं रेज्यूमे के थ्रू। इस वीडियो को आप जो है आराम से समझिएगा। इस रेज्यूमे फॉर्मेट को मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप जो है इसको बना सकते हैं। तो आइए फिर सबसे पहले हम जो है एक रेज्यूमे फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि किस तरह से आप जो है इसको स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक सैंपल रेज्यूमे ले रहा हूँ। ये जो है सौरभ शर्मा का है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो है आप रेज्यूमे के ऊपर अपना नाम डाल दीजिए, उसके बाद जो है आप अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एड्रेस अगर डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है ऑब्जेक्टिव करियर, आपके करियर का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर आप जो है अलग अलग करियर ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं। यहाँ पर सैंपल के तौर पर आप देख लीजिए, सिक्योर ए रेस्पॉन्सिबल करियर अपॉर्चुनिटी टू फुली यूटिलाइज माई ट्रेनिंग एंड स्किल्स वाइल मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, आप इसी तरह की कोई और लाइन भी इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगती है। इसके कई सारे फॉर्मेट्स हैं वो आपको मैं जो है शेयर कर दूंगा, उसके हिसाब से आप जो है अपना करियर ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको शेयर करना होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपको सबसे पहले अपनी कंपनी की प्रोफाइल, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है यहाँ पर मकीनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2010 से लेकर करंट तक। ठीक है, मतलब कि आज की डेट तक जो है इन्होंने एक ही कंपनी में काम किया है और 2010 से जो है इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पर क्लियरली देनी होती है कि किस पोजीशन पे आप जो है काम कर रहे हैं, सीएनसी प्रोग्रामर। एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है 10 ईयर 2 मंथ। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस की आपको ड्यूरेशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद आपको जो है कंपनी की प्रोफाइल बतानी है कि कंपनी क्या करती है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोटिव टर्न्ड फैब्रिकेटेड मशीन कंपोनेंट्स पार्ट डेवलपमेंट मशीन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर काम होता है उसके बारे में आप यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। जो भी आपकी कंपनी में काम होता है या जो भी उसकी प्रोफाइल है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है उस कंपनी के कस्टमर्स जो है डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर के साथ जो है आपकी कंपनी डील करती है, इससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मेजर कस्टमर्स आज MS न्यू हॉलैंड, एस्कॉर्ट्स, JCB इंडिया, JCB एक्सपोर्ट, करारो इंडिया एंड मारुति इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है सारी की सारी रेपुटेटेड कंपनीज हैं, इनके साथ जो है इस कंपनी का टाई अप है, यानी इसके साथ जो है इनकी डीलिंग होती है। तो ये जो है आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इस तरह से आप जो है अपनी प्रोफाइल को सेट कीजिए। उसके बाद जो है आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं तो वो जो है यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है गियर शिफ्टर्स, गियर लीवर्स, फ्रंट व्हील हब ऑफ ट्रैक्टर्स, गियर हाउसिंग, कपलिंग्स, कोन्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, ब्रेक्स, डिस्क कवर्स एटसेट्रा। तो इस तरह से जो है जो भी पार्ट आपकी कंपनी में बनते हैं वो जो है आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इससे क्या होगा कि आपका जो है कम शब्दों में आप जो है ज़्यादा चीज़ें जो है अपने इंटरव्यूअर के सामने रख पाएंगे। आपको जो है कम बोलना पड़ेगा और जो इंटरव्यूअर है उसके सामने जो है आपकी प्रोफाइल क्लियरली जो है इंडिकेट कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्टिविटीज, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंपनी के अंदर
और जो आप काम करते हैं उसको आप जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, आप जो है 5 से 6 लाइनों में जो है ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, प्लान्स मशीनिंग बाई स्टडिंग वर्क ऑर्डर्स, ब्लू प्रिंट्स, इंजीनियरिंग प्लान्स एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पर जो दिया गया है कि आपके पास जो है वर्क ऑर्डर आते हैं, ब्लू प्रिंट्स यानी ड्राॅइंग्स आती हैं, इंजीनियरिंग प्लान्स आते हैं, ठीक है, क्या क्या आपको जो है प्रोड्यूस करना है, और मटेरियल स्पेसिफिकेशंस जो है आपको दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको प्लान करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद प्रोग्रामिंग, सेटिंग अप एंड मशीनिंग ऑफ एनसी ब्लॉक्स एंड वेरियस 3D मशीनिंग पार्ट्स, ठीक है, जो आप काम करते हैं वो जो है आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी लाइन, असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, अगर नए पार्ट्स आते हैं उसको जो है आप सिलेक्शन में आप इसकी मदद करते हैं। ठीक है, सेटअप इक्विपमेंट फॉर मशीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हाई प्रिसीजन मेटल पार्ट्स इंक्लूडिंग सेटिंग फिक्सचर एंड टूलिंग। तो ये जो काम है ये सारे के सारे काम जो है आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आते हैं, वो जो है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी डेली रूटीन में जो है उस कंपनी में कुछ आता है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जितने कम शब्दों में आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि कम शब्दों में आप ज़्यादा बातों को जो है एक्सप्रेस करते हैं तो इंटरव्यूअर भी जो है आपके जो रेज्यूमे है उसमें वजन को महसूस करता है कि जो है इसने कम शब्दों में अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से जो है आप अपने वर्क को जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें और आती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने क्या एजुकेशन प्राप्त की हुई है। यहाँ पर देखिए एजुकेशन के मामले में, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बीटेक डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 85% इन जून 2010, रोहतक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप जो है अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सीएनसी मशीनिंग फ्रॉम आईजीटीआर औरंगाबाद, सर्टिफाइड सीएनसी प्रोग्रामर लेवल 2 फ्रॉम ओकुमा लिमिटेड जापान। तो जो भी आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, या आपके पास जो है 10th या 12th की जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो जो है यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दीजिए, ताकि इंटरव्यूअर को जो है यहाँ पर आसानी से वो चीज़ दिख जाए कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की। तो आपके पास कौन कौन सी नॉलेज है, कौन कौन से कंट्रोलर्स की नॉलेज है, वो चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। सीएनसी कंट्रोलर नॉलेज आप जो है एक जो कॉलम बना के जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आपने जो भी कंट्रोलर सीखे हैं उसके बारे में जो है आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फानुक कंट्रोलर है, फानुक कंट्रोलर में आप प्रोग्रामिंग कितनी कर लेते हैं, किस टाइप की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। सिमेंस कंट्रोलर है, मजाक है, मित्सुबिशी है, हास कंट्रोलर है और हेडन ISO है। तो जो भी कंट्रोलर आपको आता है, ठीक है, अगर आपको पास कम कंट्रोलर्स हैं तो उस कंट्रोलर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे फानुक कंट्रोलर है, अगर आपको सिर्फ फानुक कंट्रोलर ही आता है तो आप जो है फानुक कंट्रोलर में जो है आप अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा कंट्रोलर्स आते हैं तो आप जो है सबको एक्सप्लेन करेंगे तो जो है रिज्यूमे आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट में लिख दीजिएगा। अगर आपके पास सिंगल कंट्रोलर है तो आप जो है यहाँ पर फानुक कंट्रोलर लिख दीजिएगा और उसके जो प्रोग्राम्स आपको आते हैं, ठीक है, 3D 2D, उसको जो है थोड़ा सा इलेबोरेट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स इसलिए लिखे जाना ज़रूरी है कि आपको जो है कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है। अगर आप जो है मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हैं और साथ में जो है कंप्यूटर की भी स्किल्स है तो जो है आपके प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए अगर आपको जो है ऑटो कैड, मास्टर कैम, सॉलिड कैम, एज कैम, यूनिग्राफिक्स, डेल कैम, एनएक्स कैम, इन सॉफ्टवेयर में से कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर ज़्यादा सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो जो है आप उनके नाम ही लिख देंगे तो जो है इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने रेज्यूमे को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है मशीन नॉलेज। मशीन नॉलेज में जो है जो भी मशीन्स आपने ऑपरेट की हैं, प्रोग्रामिंग की है, सेटिंग की है, उनके बारे में जो है आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जिससे कि इंटरव्यूअर को ये पता चल जाएगा कि जो है हमारे यहाँ जो मशीन्स हैं वो इसके पास अवेलेबल है या नहीं है, तो उस हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट कर लेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि LMW की मशीन बहुत पॉपुलर है, AMS, एस माइक्रोमेटिक की जो मशीन्स हैं आपको जो है हर इंडस्ट्री के अंदर मिल जाती हैं, तो ये ज़रूर लिखिएगा। मकीनों की मशीन्स आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है, डूसान की कम मिलती हैं, ज्योति CNC जो है थोड़ी बहुत मिल रही हैं अभी। उसके बाद जो है मजाक की भी कुछ मशीन्स आती हैं, उसके साथ में जो है हास कंट्रोल की भी मशीन्स आती हैं, ठीक है, और BFW,
तो ये जो मशीन्स हैं इनके जो नाम हैं बहुत पॉपुलर है, अगर आप जो है ये लिख देते हैं वहाँ पर तो इंटरव्यूअर को क्लियर हो जाएगा कि ये जो मशीन्स हैं हमारे यहाँ, जो मशीन्स अवेलेबल हैं, ये ऑपरेट और प्रोग्राम सेटिंग वगैरह आसानी से कर सकता है। तो वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपने अपने आप को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग नॉलेज, थोड़ी बहुत जो है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह की जो है प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। सीएनसी टर्निंग, 2D प्रोग्रामिंग, मैनुअल, सीएनसी मिलिंग, 3, 4 एंड 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग, मैनुअल एंड कैड कैम, ठीक है। सीएनसी वायर कट प्रोग्रामिंग, सीएनसी लेजर कट, ज्योमेट्रिकल टेक्निकल ड्राइंग एंड टॉलरेंस रीडिंग एबिलिटी, ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप जो है यहाँ पर मेंशन जरूर करिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इंटरव्यूअर आपको पिक करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्किल आपके पास होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेजर स्ट्रेंथ आप डाल सकते हैं, ये एक बेसिक चीज़ है, ये जो है लगभग सभी जो रिज्यूमे फॉर्मेट्स होते हैं वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है, तो आप जो है ज़रूर लिखिएगा। मेजर स्ट्रेंथ में आप लिख सकते हैं क्विक लर्नर, क्रिएटिव माइंडसेट, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, पेशेंस लिसनर, लर्निंग थ्रू हार्डवर्क, ये जो है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अपनी पर्सनल डिटेल लिख दीजिए, यहाँ पर आप जो है अपने बारे में लिखेंगे कि क्या आपका जो है नाम है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद जेंडर क्या है आपका, लैंग्वेज कितनी जानते हैं आप, और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके साथ में आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी जो करंट कंपनी में ले रहे हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड सैलरी जो आप चाहते हैं वो भी जो है आप इसमें रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो है एडिशनली आप लिख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में जो है ये सब कॉलम जो है नहीं चाहिए होता है, और बहुत सारी कंपनीज में जो है ये कॉलम चाहिए होता है, तो आप जो है लिख दीजिएगा तो बेटर है, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है पर्सनल स्ट्रेंथ, जो है एक डिक्लेरेशन आपको जो है लास्ट में क्लियर करना होता है, तो ये जो है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, आई एम कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, डिसिप्लिन्ड, हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द अवेलेबल वर्किंग एनवायरमेंट, टू वर्क इफिशियंटली इन ए टीम, एंड कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस टाइम बाउंड एरर फ्री रिजल्ट्स, इफ गिवन ए चांस आई कैन लाइट द कैंडल इन द रफेस्ट ऑफ द वेदर, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पर, और डेट, ये देखिए ये एक सैम्पल फॉर्मेट मैंने आपको बताया, और जितना सिंपल फॉर्मेट आप बनाओगे उतने क्लियरली जो है उसमें वर्ड होने चाहिए जो आपकी स्किल्स, स्ट्रेंथ और आपकी जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेस कर सके। ये पहली टिकट होती है आपको कंपनी के अंदर जो है एंटर कराने के लिए। तो जितना अच्छा रेज्यूमे बनाएंगे, जितना क्लियरली अपने स्किल्स को डिफाइन करेंगे, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये रेज्यूमे होता है वो आपकी पहली सीढ़ी होती है, इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू स्किल्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताता रहूँगा कि क्या आप जो है इंटरव्यू में बताएं तो आपके जो पैकेज है उसमें किस तरह से बाउंसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप जो है इस पर लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको जो है किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।